Hello and assalamu alaikum everyone. My name is Usman Khalid Bhatt and I'll be coming to Toronto, Canada on the 24th of September to attend the 8th annual Hum Awards being held at the First Ontario Centre. I'm representing my blockbuster play Chupke Chupke, so you all better be there. Go book your tickets now. On 24th September 2022 at the First Ontario Centre, Hum Network will donate a portion of earnings through ticket sales to the flood victims of Pakistan. To book your tickets, log on to humawards.ca. क्या एंट्री मारी है? बच गए। भाई आप लेट नहीं हो गए जॉगिंग के लिए? आपकी तशरीफ आवरी कहाँ से हो रही है? मैं पार्क से आ रहा हूँ ना, जॉगिंग कर रहा था मैं भी। अच्छा, गिटार और बाइक के साथ? ये कॉम्बिनेशन तो वालिद मोहतरम को बहुत पसंद आएगा। वैसे हैं कहाँ जिले लाही मुनीर अहमद उर्फ मुन्ने मियाँ? अपनी ही राजधानी में है वो। गुड लक। गुड लक टू यू टू। सलीका, सलीका कहाँ रह गई हो भाई? वॉशरूम में पानी नहीं आ रहा। अरे भाई कोई मोटर तो चला दे, मुंह पे साबुन लगा हुआ है, अंधा हो जाऊंगा मैं। मेरा तड़ जाए, भूल गई सी। अस्वू। ओहो, अम्मी गिटार तोड़ेंगी क्या? ये आटे से मुंह धोया हुआ आपने क्या? चुप कर। कसमानुखा, तू और तेरा गिटार, इस वक्त अगर मोटर नहीं चली ना, तेरे प्यो ने बाथरूम का दरवाजा बंद देना है। बस चीजें और दिल्ली तो तोड़ना आता है उन्हें। फिल्मी क्यों हो रहा है? जा मोटर चला। सो जाए मुनीर अहमद, ध्यान से। सियाना काना बन, अपने गोड़े गिट्टे बचा। रात से तेरा प्यो गुले लेकर फिर रहा है। तो क्या हेलमेट पहन के घूमना शुरू कर दूं? मोटर चला। मोटर तो पहले ही चली रही है सबकी। लट्टू, चुटकी, स्केटिंग शूज उतारो, सुधर जाओ तुम दोनों, बैठो। प्यारे बच्चो, सुधर जाओ। ओके चाचू। तुम ना सुधरना। लेकिन अब मैंने क्या कर दिया? मुन्ने चाचा ना फजर के वक्त पूछे थे तुम्हारा। खुदा ना खास्ता बता तो नहीं दिया कि मैं जैमिंग पे था? अस्वी, जितने झूठ तुम उससे बुलवाते हो ना, डायरेक्ट फ्लाइट जाएगी मेरी जहन्नुम में। टेंशन ना लें, भाभी यही सारे चेहरे देखेंगे। अस्वी। अच्छा भाभी, मजाक कर रहा था, नाराज ना हो, आप तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना। मक्खन फैक्ट्री का गेट खुल गया। चाचू हमें भी सुनाए गिटार। अभी सुनाता हूँ। हाँ हाँ, बजाओ बजाओ बजाओ। ये नाम रोशन करो अपने दादा इख्तियार अहमद का। ये खन्नास अपनी की तरफ से मिला ना विरासत में। बाबा अब देखो, इस फसाद की जड़ को तुम्हें ठिकाने लगाता हूँ आज। और मुन्ने को मुन्ना ही समझ लिया औलाद ने भी। देखता हूँ मैं क्या करते हो, तुम देखते जाओ। आपके साथ मैं करूँगा क्या? बाबा आज ये किस्सा खत्म हो ही जाएगा। मुन्ने नहीं, मोगेम्बो है ये। बाबा अरे छुपकी, अभी चाचू का गिटार रोड पे गिरने वाला है, हम लोग पकड़ेंगे। कहाँ जा रहे हो? वैन आने वाली है। बाबा मेरी बात नहीं सुनूंगा, पता नहीं किन बेहुदा चक्रों में तुम पड़ गए हो। अरे मोटर का गुस्सा मुझ पे तो ना उतारे ना। हाँ, आज ये किस्सा खत्म होगा भाई। आराम से सारी चीजें लेके जाएगा। ये मुझे इधर दे, ये दे। आज मैं इसका हिसाब किताब करके रहूंगा, बस जान छूट जाएगी। बाबा बाबा मेरी बात तो सुने।
अरे बाबा क्यों इस अलग समाज बन रहे हैं? मुन्ने को मुन्ना ही समझ लिया तुमने? अरे मैं नहीं बजाऊंगा गिटार, प्लीज। नहीं बाबा। हाँ कुछ कहा तुमने? नहीं कुछ नहीं। अच्छा लगता है मनहूस सस्वी की फिर से धुलाई कर दी है मुन्ने चाचा ने। बहुत अच्छा हुआ इस थर्टला सस्वी के साथ। अरे मानो खाना आप। अरे लट्टू तू चश्मा डुबन के कितना हैंडसम लग रहा है और चुटकी ये दो पोनी कितनी क्यूट लग रही है तुम पे। ये बताओ फिर चाचू की धुलाई कर दी तुम्हारे दादा ने, सीरियसली एक टांग क्यों नहीं तोड़ देते वो उसकी? इतनी स्वीट तो है चाचू। स्वीट नहीं जंगली। बुरी बात खाला बड़ों को ऐसे नहीं कहते, चाचू तुम्हारी लिए रोज चॉकलेट लाते हैं। इन्हीं मक्कारियों से तो पागल बना रखा है मेरी इकलौती बहन को इस पूरे खानदान ने। आप ये क्या कर रही हैं? अरे ये हमारे ही घर था, हम वापस आ गए यहाँ पे। That's great. नानू कहाँ है? मिले अंदर, सरप्राइज दे नानू को। हाँ चलो 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 आ जाओ। बाबा का बस चलता ना तो गिटार की जगह मुझे फेंक देते। उनको नहीं पसंद। अरे पसंद तो मैं भी नहीं हूं उन्हें, तो क्या सांसें लेना छोड़ दूं? ऐसा करता हूं सुलेमानी टोपी पहन के घूमना शुरू कर देता हूं यहां, ताकि नजर ही ना हो मैं शहंशाह मन हाउस को। रिलैक्स, लट्टू और चुटकी गए हैं ना गिटार लेने के लिए। अब बचा ही क्या होगा उस गिटार में? आपको पता है पूरे 25,000 का खरीदा था दोस्त के साथ कमेटी डाल के। सुना है फिर ट्यूनिंग हो गई भाभी तेरे देवर दीवाने की। आप आ जाए कीड़ा की कान का पूरा नमक उठाकर, कभी कभी लगता है सौतेले भाई आप मेरे। आपको पता है मुन्ने चचा ने ना इसका गिटार तोड़ दिया। ठीक किया। ये लो नया ले। Excuse me, ये मेरा ATM कार्ड है। हाँ तो वो भी आप ही का भाई है, और इसका जो पासवर्ड है ना वो मेरी और तुम्हारे भाई की बर्थडे। सही कहते हैं अब्बा, तुम ही ने बिगाड़ा है इसको। दो नहीं तीन बच्चे हैं मेरे, और ये तो मुझे पला पलाया मिला है बरी में। I swear, फिल्मों में देखे ऐसे अजीम भाई और भाभी, अल्लाह मियां ने मुझे दुनिया में ही दे दिया। थैंक यू अल्लाह। लो शुरू हो गई इसकी लो बजट पिक्चर। पिक्चर तो अभी शुरू होगी मेरे भाई। अच्छा असफी बच्चों को देख लेना, मैं बिट्टू आपा को ना चाय दे आऊं। ध्यान से, इनविटेशन कार्ड आया है जलील अंकल की बेटी की शादी का। खुदा ना खास्ता बिट्टू आपा को तो नहीं दे दिया वो? अरे ऐसे कार्ड तो ने मील दूर से नजर आ जाते हैं, अब तक तो कीमा बन चुका होगा उस गरीब कार्ड का। आप रिलैक्स करें, मैं क्रेडिट लिमिट मैक्स करा के आता हूं। मेरी बात सुनो जल्दी से ले आना। बिट्टू पड़ोस में नए किरायेदारों का सामान आया है, पता नहीं शत जी ने किसको दे दिया किराए पर। बेटों के घर की फिक्र करने की बजाय बेटी का घर बसाने की तरफ ध्यान दिया होता ना तो मेरा भी कोई मुस्तकिल ठिकाना होता आज। क्या हो गया तुम्हें? और ये क्या, ये तो उसका कार्ड नहीं है जलील की बेटी की शादी का, फाड़ा किसने? शुक्र करे मेरे सर ने ही फाड़ दिया उस भेंगे जलील का, मुझे ही चढ़ाने के लिए भेजा उसने ये कार्ड। तो वाह क्या हो गया तुझे, पागल हो गए? तुझे क्यों जलाएगा वो? भूल गई इसी का तो पहला रिश्ता आया था मेरे जो छज्जी भाई ने ठुकराया था, ये कहकर कि इसका शेखों की लड़की के साथ चक्कर था। तुम कौन सा शादी करना चाह रही थी उससे? तो जहाँ करना चाहती थी वहाँ कौन सा करवा दी आपने, तन्ना भाभी बीच में टपक पड़ी मिलन बन के, सारी लव स्टोरी की ऐसी की तैसी फेर दी। फिर दौरा पड़ गया तुम्हें? क्यों ना पड़े, सारी जिंदगी तो माँ बाप की गुजर गई बेटों की पंचायतें करवाने में, मुंह तो दोनों के नहीं सीधे हुए। ये सब किया धरा तन्नो भाभी का है, ना अब्बा को हौका आता अपनी बेस्ट फ्रेंड की बेटी को बहू बना के लाने का, और ना पीछे पीछे के सलीका भाभी आती, और ना ही जंगे अजीम होती मेरे दोनों भाइयों के दरमियान। तन्नो भाभी ने तो तुनके रख दिया पूरी फैमिली को, मेरी तो ऐसी कैपेसिटी नहीं है। अरे छोड़ो ना बहू, बिट्टू का तो मीटर हमेशा घूमा रहता है। माँ जी लेकिन आप तो गवाए ना, मैंने कभी नंद पर जाई वाला रिलेशनशिप नहीं रखा इसके साथ। अम्मी क्यों सुबह सुबह ही सेंटी हो रही है, जल्दी से नाश्ता लगा दें बहुत भूख लगी है। जहन्नुम में जाए सारे। हाँ हाँ जहन्नुम में जाए, जाए सब जहन्नुम में। बड़े चलाल में लग रही है आज तो पप्पो, खैर तो है? पप्पो कहा ना तो देखना, अम्मा मैं जलता अंगारा रख दूंगी किसी ने इसकी ज़बान पर। सॉरी सॉरी मैं भूल गया था, इस घर में लव्स पप्पो बैन है। बेटे जाके देखो पड़ोस में कोई नए किरायेदार आए। पहले जाके चुटकी और लट्टू को तो देखा, लाश उठाने गए थे मेरे गिटार की। अरे किसकी लाश की बात कर रहा है बेटा? मेरे अरमानों की लाश। ओहो शादी का कार्ड तो नहीं देख लिया इन्होंने? अरे हाथ पीले करा देना इनके भी। रे माने भी ना, भरम दिखाती है बस। आ जाओ तुम लोग इधर चुप करके खड़े ना, शोर नहीं करना, मैं भी आती हूँ। मूली वाले ना वलों वाले परौठे बना रही होंगी सासू माँ इस वक्त अपनी सबसे ज्यादा पसंदीदा नूसलीका के साथ मिलके। भाई तुम भी तो सगी बहू हो उसकी।
रहने दे अब्बा जी, मैं तो तब तक ही सगी थी जब तक मैंने अपने पैर पर खुद टोका नहीं मारा था ये सलीका को अपनी देवरानी बना के। अरे भाई देखो, मसला तो शज्जी और मुन्ने का है ना, वो तो आज भी तुम्हारी सगी खाला की बेटी है कि नहीं है? और तुम्हारे कहने पे तो हम लेके आए थे उसको शादी करके। बस ये एक बात आपने मेरी मान ली थी, आगे पीछे मेरी आप कोई गल नहीं मानते है। मुझे क्या पता था कि ससुराल में आके सुबह शाम जहरीली फूके मार मार के पूरे टब्बर को वक वक कर देगी। उसका कसूर नहीं है, कसूर मेरी औलाद का है। देखो घरों में दीवारें बाद में आती हैं, दिल पहले अलग होते हैं। अब देख लो इनको सब रूठे बैठे हुए। चले अब्बा जी, जो भी होना था मट्टी पाओ, नहीं होना चाहिए था पर हो गया, क्या करें अब हैं। काश ना होता। अरे आराम से, इसमें हमारी सीडीज हैं भाई, टूट जाएंगी। इसमें लिखा है बर्तन है कांच के। शायरी जो होती है ना वो कांच की तरह नाजुक होती है, समझे? हमें समझा रहे हैं। मी, अम्मी 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 नीचे चले ना मेरे साथ। ना क्या हो गया है? अरे चले तो सही। आए मानो मेरा दिल बड़ा अजीब हो रहा है, जब से इस घर में आए ना कोई स्वाद नहीं आ रहा, अजीब सा ना ओपरा ओपरा फील हो रहा है। अरे स्पेशल गेस्ट आए हैं। ना पिंड बसिया नहीं है तो पुराने पहले ही आ गए। अरे यार पता नहीं हमारी चीफ गेस्ट घर नहीं आ रही, लगता है कि उन्हें हमारे आने की इत्तला नहीं मिली। अब यार ये कील वील ठीक करो, सारी टेढ़ी हुई भी है, फिर देखें शायद बाहर से नजर आता है। कहाँ पड़े हुए मेरे, कौन आ गया प्रधानमंत्री? अरे देख के स्वाद आ जाएगा। हाय माशाल्लाह माशाल्लाह, ए वाह की स्वाद आ गया है दोता और दोती को देख के। लेकिन उनको वापस भिजवा। अम्मी बच्चों का क्या कसूर? बच्चों का कोई कसूर नहीं है, कसूर तो सारा हमारा था जो इनकी माँ ने सारी जूतियाँ हमारे सरों पे बरसा दी हैं। नानू ये जूतियाँ कैसे बरसाते हैं? देखो कैसी चलाकू मासी है, ये पूरी उस फापे कुटनी बिट्टो पे गई है। नानू अब यहीं पे रहेंगी ना? हाँ यहीं पे। नानू चुप 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 चुप। अरे भाई ये प्लास का रखा है, मैं ढूंढ ढूंढ के थक गया हूँ। वो क्यों प्लास का क्या करना है, है? अब मेरी जुबान पकड़नी है, नाक तो कटवाई दी है आपने हमारी, ला के शरीकों के पड़ोस में बैठा दिया हमको। अरे भाई तन्नो गुस्सा थूक दो, मजबूरी में आए सिर्फ 6 माह के लिए। अरे घाटे पे घाटा हुआ जा रहा था, रेंट नहीं दे पा रहा था मैं, मुझे जुगाड़ी लगी है। ये जो जुगाड़ है ना ये भी घाटे का सौदा ही है, अब तक खबर पहुंच चुकी होगी पड़ोसियों को। हाँ तो लग जाए पता है, डरता थोड़ी हूँ मैं। बाबा देखा चूहा। शाबाश बाबा, कम से कम अपने नाम की लाज रखने थे। ना कर पे उनके साथ ऐसे माहौल, जो बेटियों के बाप होते हैं ना थोड़े दिल होते हैं। बेटियाँ नहीं, एक ही बेटी है मेरी, मानूर शुजा। जी हाँ, और दूसरी बेटी आपकी जिंदगी से जा चुकी है। आए मरण जोगी, हमारे दिलो दिमाग से भी निकले तो ना। है? क्या कहा? कुछ नहीं, आए प्लास ढूंढ के दूर डब्बे से। पता नहीं कहाँ चीजें रख देती है। चलो चलो बाहर आओ, जल्दी आओ, आओ चलते चलते। अरे भागो, आशा शाबाश, चलो चलो चलो। आजो बच्चों शाबाश, तुम लोग का फेवरेट फ्लेवर लिया है मैंने, ये लो। लट्टू इंतहाई जाहिल लग रहे हो इस तरह से बच्चों को अपने इशारों पर नचाते हुए, और तुम मेंटल पीस लग रही हो दूसरों के बच्चों को इस तरह अपने घर ले जाते हुए। एक्सक्यूज मी, मेरे सगे भांजा और भांजी हैं ये। अच्छा, पिछले 5 सालों से तो घास ही डाली इनकी सगी माँ को इनके मैके वालों ने। घास गधे खाते हैं और वो काफी वाफर मकदार में मौजूद थी उसके ससुराल में। चलो बच्चों शाबाश, घर जाओ घर जाओ। मानूष शुजा, दोबारा लट्टू या चुटकी को हाथ भी लगाए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, पीस मोड ऑन हो जाएगा मेरा। असफंद मुनीर, ये बच्चे तुम्हारे भाई की बरी में नहीं लेकर आए थे तुम लोग? हाँ, जहेज में पैक करके भेजवाए थे ना तुम लोगों ने भाभी के साथ। अरे हाँ भाई, सजा लिया पानीपत का मैदान इधर भी। सुना तूने गौहर, आशियाना नूर वाले यहाँ भी आ गए इलाके का सुकून बर्बाद करने। गौहर ये जो अमन हाउस में झंडा लहरा रहे ना अमन और सलामती का, इसी से तो पूरे कराची की हवा चलती है। बच के रहना बेटा, ये हवा ना आशियाना नूर वालों को खाड़ के ना ले जाए, इसे खैमे इस बार मजबूत लगवाना। क्या हो गया यार तुम दोनों को, तुमने यूनिवर्सिटी नहीं जाना? चल
तू चल मैं आता हूँ। अब यूनिवर्सिटी के साथ साथ गली में भी देखने पड़ेंगे ये मनहूस चेहरे। अपना ये मनहूस बाजा भी ले जाओ साथ। चलो बच्चों। देखा तुमने इस डायनासोर को? दोपहर को आकर देखता हूँ, अभी प्रोफेसर अलवी की क्लास है, लेट हो गया ना, जान निकाल देंगे मेरी। मेरी लीव लगवा देना। बच्चे पता नहीं कहाँ रह गए। पकड़े इन्हें, दुश्मन के मोर्चे से निकाल कर लाए हो इन्हें। आए हाय, रातों रात ऐसा कौन सा मोर्चा है जो सज गया? शुजात आया कि फौजें वापस आ चुकी हैं, और ये दोनों ना अपनी खाला आफत की परकाला के पास थे। लो जी, कहाँ ले गए जलेबी चुके? शजी भैया वापस आ गए? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा ये मतलब था कि आखिर आया क्यों है वो वापस? नई फटीक डालने। लेकिन ढोल तो मेरा बजा दिया ना दूसरी पार्टी के सामने। आपको पता है उस चुड़ैल के सामने जाकर गिरा था मेरा गिटार। अच्छा है, मुन्ने को मुन्ना ना समझना। हाँ। अरे बेटा क्यों गए थे आप लोग वहाँ पर? सगे नाना नानी का घर है, खून की कशिश खींच कर ले गई हूँ। अम्मा खून की कशिश हो या कशिश सकल, बेहतर है कि बच्चों तक महदूद रहे, कोई ज्यादती भूला नहीं उनकी मैं। ऐथे रख चकते फट। असल तुम गए अब्बा मियां से और शजी भैया से मिलने? जी नहीं, मुझे कोई शौक नहीं है दुश्मनों से मिलने का। ये तो है ही जहर की पुड़िया, मैं तो जरूर जाऊंगी अब्बा मियां से मिलने, मेरे लिए तो दोनों भाई बराबर हैं। अन्ने हाथ बटेरा। मामा ये पप्पी कुन्नी कैसे कहते हैं? तुमने कहा सुनो? नाना ही कह रहे थे बिट्टू आपा को। हुन राम है, आते नया खिताब मिल गया फप्पे कुटनी का। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फप्पे कुटनी पड़ गया ना फर्क। ओ चलो बहन आ गई, तुम लोग ही निकलो। ओके बाय, अल्लाह हाफिज। जाओ कमा घर पे। सुने ये किस जीबरे की खाल उतार के पहन लिया? तुम में अगर थोड़ी सी फैशन सेंस होती ना, ये कार्टून वाली शर्ट ना पहनते। जेलस जीबरा कुटनी। चीनी लेंगे आप? हाँ क्यों नहीं, शुगर तो नहीं है मुझे। आप तो खुद इतनी स्वीट हैं। वाह सलीका में भी रातों रात चेंज आ गया। लगा दिया तुम्हारी शर्ट का बटन। सुने आपके चेहरे पे क्यों 12 बजे हुए हैं? नाराज है मुझसे? मैं क्यों नाराज होंगी तुमसे? वो तायाबा को दुश्मन जो बोल दिया था। दुश्मन तो वो लोग समझते हैं मुझे, साथ जो नहीं दिया था उन लोगों का। आपने उस वक्त जो किया था ना बिल्कुल ठीक किया था। 5 साल से तरस भी तो रही हूँ अपने माँ बाप की शक्ल देखने को। अब तो हर जगह नजर आएंगी उनकी शक्लें, गली में, छत में, आपके ख्वाबों में। बस भाभी आपने ना घबराना नहीं है। ये बताओ कि सच में अम्मी अब्बू को नहीं देखा? अरे यार नहीं मिला, आप रिलैक्स करें, मैं वापस आके बात करता हूँ। लगी तो नहीं? नहीं देखता नहीं है। पुत्र जी वो कपड़े छत पे सुख सुख के बोर हो गए होंगे ना, रस्सी पे टंग टंग के थक गए होंगे। जी जची जा रही। सुन ज्यादा कमली ना बन, तेरी माँ की आंखों पे चर्बी चढ़ गई, मेरी नहीं। कभी नूनी समझा, हमेशा सगी बेटी समझा है। दुखी ना चची, आप तो सब जानती है ना। सब कुछ जानती हूँ है, तेरी माँ सगी खाला की बेटी है मेरी, शादी तक ओके थी, तो शादी के बाद दिमाग में सट लग गई है, सारे रिश्ते विश्ते भुला दिए उसने, बस एक चीज याद रह गई है, माया की छाया। पर मैं तो सगी औलाद हूँ उनकी, मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हैं? कपड़े आजा मानो जाए आजा। हाँ हाय लो जी, उजड़े बागा दे गालड़ राखे हैं, कितना कोई गंद पड़ा हुआ, ये कौन सफा करेगा मानो? मैं तो हरगिज नहीं करूंगी अम्मी, परसों प्रेजेंटेशन है मेरी, और अब कुछ तो सोचना चाहिए था शिफ्टिंग से पहले। ए तेरे प्यो का ना वही हाल है पुत्र, है टेजना पईया रोटियां ते सारियां गल्ला खोटियां। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जी। फरमाइए। मानो सगी बहन हूं तुम्हारी, ये सगापन तब कहां था जब सगे बाप के दुश्मनों की लाइन में खड़ी हो गई थी जाकर, मजबूरी थी तब मेरी, अब हमारी कोई मजबूरी नहीं है ऐसे झूठों के साथ रिश्तेदारियां निभाने की। अम्मी प्लीज समझाए ना इसको, बेटी हूँ आपकी। पुत्र मैंने क्या समझाना है, जिदा सारो दी पीड़। कोई रिश्ता नहीं है अब हमारा, ना आपके साथ ना आपके ससुरालियों के साथ। चले अम्मी। ना किधर जाना है, इधर आ मानो, ये सफाई कौन करेगा? अरे बुलाए किसी सफाई वाले को, चले हम तो चलते हैं। चले अम्मी। तू चल मैं देख के आ रही हूँ। क्यों मिन्नतें करी आप उन बेहस लोगों की? तुम गए नहीं अभी तक?
हाँ वो एटीएम का ना पासवर्ड भूल गया था, किसकी डेट पहले आती है, आपकी या भाई की? मेरी। अच्छा मैं जरा हिसाब बराबर करके आता हूँ। हाँ क्या तकलीफ है? फेफड़ों में रेशा है। तो जाकर इलाज करो अपना। इस वक्त तो खाला आफत की परकाला, तुम्हारे दिमाग का इलाज करने आया हूँ मैं। क्या बकवास की तुमने भाभी से? तुमसे मतलब? सगी भाभी है वो मेरी। मेरी भी सगी बहन थी वो। थी ना, खत्म कर दिया ना रिश्ता। तो बुझी भी राग से चिंगारियां को रेंदने क्यों आ गए हो हमारे इलाके में? वाह क्या डायलॉग मारता हूं। बहुत फजूल, ये इलाका तुम्हारे बाप की जागीर है क्या? हां वही जागीर जिस पे दिन दहाड़े डाका डाला था तुम्हारे अब्बा हुजूर ने। और जो मुन्ने चाचा ने हथियाई थी जमजमा वाली शॉप वो? बेटा जब बड़ों की नियतों में खोट आ जाती है ना तो छोटों को छीना ही पड़ता है अपना हिस्सा। बिल्कुल सही तकसीम की थी अब्बा मियां ने। तुम उस तकसीम को छोड़ो, आइंदा तुम्हारी वजह से मेरी भाभी की आंखों में आंसू आए ना तो लिहाज नहीं करूंगा मैं, सॉफ्टवेयर अपडेट कर दूंगा तुम्हारा। अरे अस्वी बेटा तुम यहाँ खड़े हो? सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम, अंदर आओ आओ। रहने दें अब्बा मियाँ, अपनी मोहब्बतों के खजाने ना लुटाएं अपनी इस चहीती मानो बिल्ली पर, मुझे जरूरत नहीं है। छोड़े इस जंगली कबूतर को, बढ़ाया अपनी भाभी का चहीता। एक दिन ना इसी तरह जल जल के राख हो जाओगी तुम इंशाल्लाह, और यही हसरत तुम कब्र तक लेकर जाओगे इंशाल्लाह। और ये आपने इतना बड़ा मुंह अपना क्यों लटका लिया? 5 साल में 5 मिनट तो दादा को दे सकता था वो कि नहीं? इतनी तमीज कहाँ सिखाई है सलीका चची ने? पर हमने अपनी औलाद को कहाँ तमीज सिखाई। चले अंदर चल के ड्रामे करें, चले ड्रामा करें, ड्रामा करें, हद हो गई यार। अरे निधा इतनी छोटी सी बात तुम दिल पर क्यों ले रही हो? छोटी सी बात नहीं है ये फराज, अम्मी और मानो ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे खुदा ना खास्ता मैंने और आपने ना भाग के शादी की हो। अरे सारा का सारा खानदान जानता है कि हमारी खालिसतन अरेंज मैरिज हुई है। वो कौन सा नहीं जानती? अरे उनको तो सिर्फ इस बात का गुस्सा है कि अब्बा और ताए के झगड़े में तुमने उनका साथ नहीं दिया बस। तो मैं अपना बसा बसाया घर छोड़ के मैं के जाके बैठ जाती? यार तुमने जो किया बिल्कुल ठीक किया, उनको कभी ना कभी ये बात समझ में आ ही जाएगी। 5 सालों में तो नहीं आई, अब क्या खाक समझ में आएगी। ये लो खाना। अरे वाह, पड़ोस से तो जहर ही मिलेगा तुम लोगों को। थैंक यू। आज यूनिवर्सिटी नहीं गए तुम? क्या था यार, एक ही लेक्चर था। बाय द वे ये लो आज का लेक्चर, क्या याद करोगी? हाँ याद करूंगी कि उस डायनासोर से तो बहुत डिफरेंट है। एक्सक्यूज मी, तुम्हारा भी दोस्त तुम्हें। बाय द वे बबली बेताब हो रही है तुमसे मिलने के लिए, तो उसको बता देना कल मैं आऊंगी यूनिवर्सिटी। अरे अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम, हमारा गेट शायद ये है। हां जी जी, वो एक्चुअली मानूर से मिलने आया था ना, क्लास फेलो है मेरी और अस्वी की भी, बताया तो होगा उसने आपको। बड़ी कोई खूनी नजरों से देखकर गई है मुझे। थैंक्स फॉर द लंच। ओके माशाल्लाह, तू तो कह रहा था आंटी का घुटना चेक कराने जा रहे हैं हॉस्पिटल, तो पूरा दिन क्या डॉक्टर के घुटने के साथ लग के बैठे रहता। खाना भिजवाया था अम्मी ने मानूर के लिए, वो देने आया था। अंदर नहीं आओगे तुम? नहीं नहीं आज नहीं, फिर कभी। अब्बा मियां कह रहे म्यूजिक कलेक्शन देखने आऊंगा उनकी। ओके टेक केयर। ओके थैंक यू। ओके टेक केयर। ओए इंसान बन यार, सुन लेगी। अब बकवास बंद कर, सारा मूड ही खराब कर दिया। अब अंदर जाके वही खाता हूँ टींडे गोश्त, चलना है तो आ। ओ भाई माफी, तुम्हारे वालिद मोहतरम ना कोई मुनासिब नजरों से देखकर नहीं गए इस टींडे को। हाँ तो बेटा जैसा मुंह वैसी चपेट, मुंह देखा है अपना गले रे कुलचे जैसा। चले सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम बेटा, आओ खाना शुरू करो। ये लो। तुम्हारी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है वो लड़की साहब? कौन लड़की? पड़ोसन की बात कर रहे हैं। क्या पड़ोसन पड़ोसन कर रही हो? जेठानी ना सही, तुम्हारी खालाजाद बहन तो है ना, उसकी बेटी है, नाम लो उसका। मानूर की बात कर रही है। छड़े माँ जी, मुझे तो वो टिच तन्नो भाभी लगती है। एसपी मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, तुम्हारे साथ पढ़ती है? जी सेम सब्जेक्ट है हमारा। हाँ तो बेहतर होगा तुम किसी और मौजू में दाखिला ले लो। अब्बामियाँ से भी यूनिवर्सिटी तो चेंज करनी है। हाँ मगर मसला क्या है बेटा? मसला आपके जहन का है बाबा। अरे मैं क्यों चेंज करूँ अपना सब्जेक्ट किसी हरे हरे के पीछे, आसान थोड़ी होता है। हाँ हाँ पूरे करो अपने बड़े अब्बा के ख्वाब। हाँ तो क्या हो गया, बेटे तो कर नहीं सके तो ये कर लेगा, क्या हर्ज है इसमें। अम्मा पूरे करे ख्वाब सजी भाई की औलाद,
अब्बा ने साथ उन्हीं का दिया था ना, और मुझे मुन्ना समझ के ज्यादती करती थी मेरे साथ। वो वक्त और था बाबा, अब करके दिखाएं कोई ज्यादती शो जाता है। ईंट से ईंट बजा दूंगा मैं। रहने पुत्र जी, सियाना का हमेशा रोड़ी में जाके दिखता है। आप सेंटी हो जाया करे फौरन, पंजाबी फिल्म के हीरोइन की तरह। समझाए से ये फिल्म की हीरोइन नहीं है, हीरोइन की माँ है, समझे? और तुम ध्यान रखो जो तुमसे कहा गया वो करो। मैं नहीं डरूंगा किसी से। फसादी बाप के फसादी बेटे से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। डट के रहो उसी यूनिवर्सिटी में। हाँ, डेट होके ना बिस्ती करवाई जाओ ते पोली पोली ढोलकी बजाई जाओ। मेरी मजबूरी मत समझना, बस अपनी ढोलकी बजाती रहना तुम। जी साहब, आप ऐसे करो ना कि आसमान को जाके टाकी लगाओ। अरे तुम दोनों भाई आपस में झगड़ा खत्म क्यों नहीं कर देते? झगड़ा शुरू किसने किया था? आपके मुन्ने ने। सीना तान कर खड़ा हो गया था अपने बड़े भाई के सामने। अरे अब्बा, और तो और मेरी सगी औलाद को मेरे खिलाफ कर दिया था उसने। क्या बात कर रहे हैं आप? हद है। अबू तन्नो बेटा, क्यों उसके जज्बात से खेलते हो तुम? ना अब्बा जी, मैं कहाँ खेल रही हूँ। हैं, मेरी तरफ से पूरा खानदान जो है जाके पांडे में बाढ़ जाए। ये जब से जदाद का स्यापा खुला है ना, आप सोचे कि 5 साल के बाद आज मैंने अपनी बड़ी कुड़ी का मुंह देखा है। तो मिला है ना जाकर, पड़ोस में ही तो रहती है, इतनी याद आ रही है तो। चुप कर मानो, है छाज जिते बोले बोले, चांदनी भी बोले नाल, जिसमें खुद 900 छेद। अम्मी, मेरे बाप के साथ ज्यादती हुई थी, अब चाहे वो गलत हो या सही हो, मैं उन्हीं की साइड हूँ। ओ जी, पा दो बांदर के गले में मोती है दहार। वाह यार, यहाँ तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, मेरे अल्लाह। अब्बा जी आप परेशान ना हो, ये देखिए मैंने आलू गोश्त बनाया आपके लिए, ये खाएं आप। अरे खा लेंगे, रखो। सुनो, वो रोटी तोड़ के शोरबा ऐसे मिला के। ए अब्बा जी, आपकी भी ना ऐसी छोटी छोटी सी ख्वाहिशें होती हैं, मैं बना के देती हूँ। इनकी झगड़े तो चलते रहेंगे। हाँ लो, अबे ज्यादा तेज मत करो, वो घुलती है ना बेटा, वो कैप्सूल जरा छोटे जैसे मैंने बड़े करवाए। आपकी भी बात। मुन्ने मियाँ, यानी मस्जिद में देर से जाने की आदत खत्म नहीं हुई तुम्हारी? वालेकुम सलाम, जाओ जाओ जी। इसको बुरा मानने की क्या बात है? अरे भाई, राह में कोई मिल जाए तो सलाम का जवाब तो देंगे ना उसको, और वैसे भी सगा है हमारा। बस कर दे अपा, 5 साल पहले उसने आपको सौतेला डिक्लेयर कर दिया था। बात अस्ती, रुको, तुमने ठीक से नाश्ता भी नहीं किया, ये लेके जाओ। थैंक यू सो मच भाभी, आपको पता है आप दुनिया की बेस्ट भाभी हैं। आप कहेंगी तो जहर भी खा लूंगा। खुद इतना जहरीला। अच्छा दोपहर को ना जल्दी आ जाना, लट्टू की बर्थडे पार्टी के लिए चीजें लेने चलेंगे। लट्टू की बर्थडे पार्टी? अरे उसकी बर्थडे तो ऐसे मनाएंगे पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। कितने जोकर लग रहे हैं सारे। अल्लाह भाई। Ha 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 ha.
ये तुम क्या अपने आप को नोचे चली जा रही हो? और आपके दोनों बेटे जो इतने सालों से एक दूसरे को नोच रहे हैं, वो गई नहीं तुम अपा से मिलने? चली जाऊंगी, जरा मुन्ने भैया का सूजा हुआ मुंह और सलीका भाभी के माथे के बल तो कम हो जाए। मेरे महबूब का आया है मोहब्बत। क्या फजूल गाने गा रही हो तुम, क्या हो गया है? कर लेना तानसेन को फोन। तानसेन कौन? अरे वही जो दो घंटियां बजा के कर देते हैं फोन बंद और आप मौका पाते ही जाके मिला लेती हैं नंबर। आहिस्ता बात किया करो, सलीका ने सुन लिया ना तो कयामत आ जाएगी। वो तो जरूरी बात करना चाह रहे थे ना मुझसे। जी हेलो कमाल है, फोन भी करते हैं और बात भी नहीं करते। वो शिवजी ने फोन उठा लिया। अब इससे पहले कि अल्लाह मियां हम सबको उठा ले, अपनी औलाद को कुछ अकल दें। बहन की जवानी तो रोल दी, अब आपका बुढ़ापा तो ख्वार ना करे ना। बस मैं तो ये कहती हूँ अल्लाह करे किसी तरह से हमारे यहाँ को तेरा अच्छा रिश्ता आ जाए, मैं भी सुकून से सो सकूं। अब यहाँ रिश्ता नहीं मौत का फरिश्ता आएगा, लिखवा लें। जंगली बिल्ली ऐसे बैठी है भतीजा गाड़ी में जैसे जट प्यारे में बैठी हो। पैदाइशी जाहिल कमार चीपड़ा। अरे मेरे बात रोना तो बंद करो, सिर्फ नाम का इख्तियार है मधु, वरना कोई इख्तियार नहीं है मेरा यहाँ पे। इसी बेइख्तियारी ने तो बुढ़ापे में जलील कर दिया। औलाद एक दूसरे को देखने की रवादार नहीं है और माँ बाप को देखो जबरदस्ती अलग कर दिया। भला हमारी कोई उम्र थी इस तरह से अलग अलग रहने की? इस सारे किस्से में ना नुकसान सिर्फ बिट्टो का हुआ है, बहुत फिक्र रहती है मुझे उसकी। अच्छा तुम अपना ख्याल रखा करो, टाइम पे मेडिसिन लेती हो कि नहीं? चीमा साहब सुबह से मेरे बाथरूम पर नलका लीक कर रहा है भाई, 100 दफा कह चुका हूँ आपको, प्लम्बर भेज दीजिए। देखो मियाँ कितनी दफा मैंने तुम्हें बताया कि ये प्लम्बर का नंबर नहीं है, नलके कसने की जगह तुम अपना दिमाग कसो। खुदा हाफिज। प्लम्बर के पास भी इनका पोता आ गया होगा। हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जल्दी से आए, लट्टू की बर्थडे पार्टी का सामान ले आए। हाँ आती हूँ, मैंने कौन से गुब्बारे फुलाने हैं। चले ना आए। चलो भाई। क्या है भाई, क्या हुआ अभी अम्मा? कुछ नहीं। अरे मुस्कुरा दें, आज बर्थडे आपके परपोते का, तो बुलवा लो ना उसके परदादा को। अल्लाह को माने माँ जी, मुनीर जी ने सुन लिया ना तो नया पहाड़ा पड़ जाएगा इस घर में। तो ऐसा करो मेरे मुंह पे टेप लगा दो, दिल के ऊपर लोहे का खोल चढ़ा दो, पूरा जर्रा बख्तर पहना दो, एक कोने में खड़ा कर दो, फिर शायद सुकून मिल जाए तुम लोगों को। सही कहते हैं सियानी, सावन की धूप से अन्य मुख से बच बचाव करना चाहिए, मुझे तो खाम खा पराए फड्डे में मुक्के पड़ जाते हैं। अम्मा कहाँ का गुस्सा कहाँ उतार रही हैं? तुम्हें कौन सी परवाह अपने बाप की, तुम कौन सा मिलाई, तो चली जाओ भाई। तन्नो भाभी के घर में एक ही कानून है, अपनों के गिट्टे तोड़ो और परायों के पांव छूओ। बिल्कुल ठीक कह रही हैं सलीका भाभी, तन्नो भाभी को तो एक ही शौक है पूरे खानदान को टांग कर रखने का। ऐसी औलाद से तो बेहतर है इंसान की औलाद ही ना हो। काफी लेट हो गया भी अम्मा। चुप कर जा मेरा पुत्र, जल्दी जा, अगर बीपी शूट हो गया ना तो नया स्यापा पड़ जाएगा, रात को बर्थडे पार्टी भी है। मैं भी जा रही हूँ चाची। अम्मा का बस ना मुझ पर ही चलता है, मैं तो चली जाऊँ पर इन गुब्बारों से ज्यादा मुंह फूल जाएंगे वहाँ पर सबके। फिटे मुंह। मैं जाके बेकरी से केक ले आता हूँ। उसने हैप्पी बर्थडे, लट्टू का असल नाम क्या है? हैप्पी बर्थडे लट्टू। तमीज तो छू कर नहीं गुजरी मुन्ने की औलाद को। अरे हद हो गई यार, दोपहर तक तो चल रहा था, पता नहीं अभी क्या हो गया इसको।
अब्बा जी यहाँ पे पूरा का पूरा बंदा खराब हो जाता है, आप फोन को लेके बैठे हुए हैं। मैं तो कह रही हूँ अभी भी वेला है हमारे पास, है कोई और घर देख लेते हैं। मेरी भी जिद है, अब तो जनाजा निकलेगा मेरा यहाँ से। तो फिर सही है अब्बा जी, है फोन लेके बैठे रहो तुसी और पोली पोली ढोलकी बजाते रहो। क्यों इतनी दिल दुखाने वाली बातें हो रही हैं? नजदीक रह के दिल जलाने से बेहतर है दूर ही रहे। ये ले टच फोन, बी अम्मा से इन टच रहने में बहुत काम आएगा। अरे हम तो कर लेंगे, उस भली मानस को कैसे सिखाएंगे? ये सिखा देंगे उनको भी, राख सिखाएंगे, बच्चों को साथ रहना तो सिखाया नहीं हमने, अब ये नई टेक्नोलॉजी क्या सीखेंगे हम लोग? अरे ये फोन तो रखे ना अपने पास। जरा तमीज नहीं सिखाई मुन्ने ने अपनी औलाद को, सलाम करने की रवादार नहीं। अरे तुमने बड़ी तमीज सिखाई बेटी को, साथ फर्शी सलाम करके आई है चाचा को अपने। गलती हो गई पता की मुझे आपको। ये दवा दो अब्बा। अरे हमें रहने दो, अपनी बेगम को तो दवाई है, उनके पारा चढ़ा रहता है, सुनती नहीं तुम्हारी बात को। गरीब मुल्ला की अजान कौन सुनता है यहाँ पे। ये ले मैं पानी लेके आता। हाँ लो। ये चाय किसकी है? हाँ कहा ना गरीब मुल्ला की अजान कोई नहीं सुनता। अरे ये बता तो दो चलता कैसे है।